के लिए है जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक है। तो आज का ट्रिक कैसे है, यदि आपके पास डेड आया, लोगों की प्रॉब्लम आया, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आया और आपने पावर ऐसी दूसरी लगा करके देख लिए, वीपीएच की सप्लाई बन रही है, वीवेट की सप्लाई प्रॉपर ओके है, अब उसके बाद से फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो अब कौन सा लाइन में दिक्कत हो गई है, कौन से लाइन में शॉर्ट हो गई है, हम चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे कैपेसिटर लगे। तो आज आज मतलब जो समझाया जाएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी ट्रिक से हम बहुत आसानी से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, हम ये भी ट्रिक से 100% कंफर्म हो सकते। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज आप लोग का। देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्लासेस है, क्लासेस समझिए, वीडियो समझिए, ये ऐसा है कि जो काम आप घंटों लगा रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें जो है आप उससे पहले ही चेक कर लेंगे, यानी पहले ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लाइन से क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये उन भाई लोगों के लिए हैं जो वो लाइन चेक करते तो हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगा देते हैं, ठीक है। यानी जब हम एलडीयू लाइन चेक करते हैं तो कौन सा लाइन में दिक्कत हो गया है, या फिर कई बार लोगो रीस्टार्ट होता है तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि पावर आईसी से निकलने वाले लाइन कौन सी लाइन में दिक्कत हो गई है जिसके वजह से लोगो रीस्टार्ट का फॉल्ट है, ठीक है। एमएमसी लाइन से फॉल्ट है कि नहीं है, एमएमसी लाइन से शॉर्ट है या नहीं है, सीपीयू लाइन से शॉर्ट है या नहीं है, वाईफाई आईसी लाइन से शॉर्ट है या नहीं है, ये हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, चेक करें तो कहां चेक करें, ठीक है। स्केमेटिक पढ़ने नहीं आता है, स्केमेटिक ज्यादा समझ में नहीं आता, तो हम चेक करें तो कैसे चेक करें, तो उन भाई लोगों के लिए है जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ठीक है। तो आज का ट्रिक कैसे है, यदि आपके पास डेड आया, लोगों की प्रॉब्लम आया, रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आया और आपने पावर ऐसी दूसरी लगा करके देख लिए, वीपीएच की सप्लाई बन रही है, वीवेट की सप्लाई प्रॉपर ओके है, अब उसके बाद से फिर भी सेट ऑन नहीं हो रहा है, तो अब कौन सा लाइन में दिक्कत हो गई है, कौन से लाइन में शॉर्ट हो गई है, हम चेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे कैपेसिटर लगे। तो आज आज मतलब जो समझाया जाएगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी ट्रिक से हम बहुत आसानी से फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, हम ये भी ट्रिक से 100% कंफर्म हो सकते हैं कि हमारे कोई लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है, यानी हमारे फोन डेड है तो क्या कोई लाइन में शॉर्ट हो गया है जिसके वजह से ऑन नहीं हो रहा है, क्या फोन लोगो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है तो कोई लाइन में लीकेज हो गया है या शॉर्ट हो गया है उसके वजह से है या फिर उसके वजह से नहीं है, तो कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए, जब हमें लाइन को चेक करना हो तो आपको पावर आईसी के बॉल पे ही चेक कर लेना है। अभी फिलहाल हम यहां पे आईसी बनाए हैं, ठीक है, समझाने के लिए, तो सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करना होता है। अभी मैंने आपको थ्योरी कंसेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आईसी को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद हमारे डायग्राम में आईसी का डेटा शीट होता है, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब जैसे ये वाले बॉल की कनेक्शन हमारी कहां जा रही है, वाईफाई आईसी में जा रही है, तो डायरेक्ट आप इस बॉल पे चेक कर लेंगे कि क्या यहां पे शॉर्टिंग तो नहीं है, अगर यहां पे शॉर्टिंग बता रहा है तो इसका मतलब है ये कनेक्शन वाईफाई में जा रही है, तो कौन सा लाइन शॉर्ट है, वाईफाई की लाइन शॉर्ट है, ठीक है। अगर इस वाले बॉल पे शॉर्ट आ रही है तो इसका मतलब ये कनेक्शन कहां जा रही है, एमएमसी आईसी में जा रही है, तो अगर ये लाइन शॉर्ट बता रहा है तो एमएमसी लाइन शॉर्ट है। आपको यहीं पे पावर इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है, पावर आईसी के बॉल पे ही क्लियर हो जाएगा। अब उसी तरीके से सीपीयू में जाने वाले लाइन, जैसे अगर इस बॉल पे बीप आ रही है तो आप देखोगे कि ये लाइन कहां जा रही है, तो ये लाइन सीपीयू के अंदर जा रही है, तो अगर यहां बीप आ रही है तो इसका मतलब सीपीयू लाइन शॉर्ट है। अब उसी तरीके से अगर यहां बीप बता रही है तो इसका मतलब कोर की लाइन शॉर्ट है, अब कोर की लाइन कहां जा रही है, सीपीयू के अंदर जा रही है, तो आप क्वाइल पे कैपेसिटर पे चेक ना करके डायरेक्ट आप आईसी की बॉल पे चेक कर रहे हैं, और बॉल पे चेक करने के बाद यहां पे क्लियर हो रहा है कि यह लाइन सही है या नहीं है,
कितनी जबरदस्त ट्रिक है। तो बहुत भाई लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि बहुत भाई लोगों को पता होगा, लेकिन जो इस फील्ड में नए नए काम कर रहे हैं उनको ये ट्रिक पता नहीं होगा। जो ये ट्रिक ये तरीके से अगर वो चेक करेंगे तो मुझे लगता है जो जहां घंटों लगा रहे हैं वहां 15 मिनट के अंदर चेक कर लेंगे सारे बॉल पे कौन सा बॉल पे क्या है, सही है कि नहीं है, क्योंकि कनेक्शन है ना, तार है। अब यही तार जा रही है यहां पे, तो आपने इस कैप पे चेक ना करके डायरेक्ट इसकी बॉल पे चेक कर लिए कि क्या ये बॉल पे हमारे कनेक्टिविटी सही दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी आईसी का चेक कर सकते हैं, चाहे लाइट आईसी हो या ग्राफिक आईसी हो या फिर नेटवर्क आईसी हो या फिर पावर आईसी हो या फिर एमएमसी आईसी हो, यानी डायरेक्ट आप बॉल पे चेक कर सकते हैं और बॉल पे चेक करके आप क्लियर हो सकते हैं कि हमारे लाइन में शॉर्टिंग है या नहीं है। एक चीज और बता दूं, यहां अगर आप इस आईसी को निकालते हैं तो यह भी आपको पता चल जाएगा कि इस आईसी से कनेक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि अगर आप इस आईसी को निकाल कर चेक कर रहे हैं पूरा का पूरा फोकस यहां पे होनी चाहिए आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कहां क्या कह रहे हैं ये। जैसे आप इस आईसी को निकाल कर बॉल पे चेक कर रहे हैं और इस बॉल पे वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एमएमसी से कनेक्टेड है, जो एमएमसी की रीडिंग यहां पर दिखा रही है। अगर अगर फोन डेड है तो शॉर्टिंग के अलावा ओपन भी तो हो सकता है, मान के चलिए बीच का रास्ता टूट गया, तो क्या ये वैल्यू आएगी यहां पे एमएमसी वाली? नहीं आएगी। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई एमएमसी की वैल्यू यहां पे आनी चाहिए, बट अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब या तो फिर एमएमसी आईसी की बॉल डिस्कनेक्ट हो गई है या फिर बीच का रास्ता टूट गया है, जिसकी वजह से यहां तक बॉल तक वैल्यू नहीं हो पा रही है। तो इससे आपको शॉर्टिंग तो नहीं है, ओपन तो नहीं है और लीकेज तो नहीं है, ये आपको यहीं पे चेक हो जाएगा, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये तरीके हम अपनाते हैं सबसे ज्यादा जिसकी डायग्राम अवेलेबल ना हो, जिनको कंफ्यूजन होता है स्कीमेटिक को समझने में, ये तरीका सबसे लाजवाब है, जो आपको बहुत जल्दी फाइंड हो जाएगा कि हमारे कोई शॉर्टिंग वगैरह है, ओपन है या नहीं है। अब उसी तरीके सीपीयू, तो जब हमारे सीपीयू कनेक्टेड होगा तो सीपीयू की वैल्यू हमारे बॉल पे आएगी, यदि वैल्यू आ रही है तो कनेक्टेड है, अब यदि वैल्यू नहीं आ रही है तो लाइन आपका ब्रेक है, यदि बीप आ रही है तो लाइन शॉर्ट है, तो आप पता चल जाएगा कि कोर के लाइन शॉर्ट है, अब आपको शॉर्टिंग निकालना आनी चाहिए। चलिए अब यही चीज हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाते हैं कि हमें किस तरीके से आईसी को निकालकर डायरेक्ट उसकी बॉल पे चेक करना होता है, ठीक है? तो आते हैं। तो अब यहां पे देखिए, ये जो मॉडल को ओपन किए हैं ये है Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 6 Pro है। तो अब यहां पे हम चेक करेंगे, देखिए ये आईसी निकली हुई है, इसको थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं हम यहां पे हम सफाई कर लेते हैं। तो अब यहां पे देखिए इस आईसी के बॉल पे चेक करेंगे, तो जब आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा एलडीयू लाइन में दिक्कत हो गया है, सीपीयू लाइन से शॉर्ट है कि नहीं है, एमएमसी लाइन से शॉर्ट है कि नहीं है, तो आप यहां पे सिंपली क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये डायग्राम में आया मैंने, आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि हार्डवेयर सोल्यूशन में जाने के बाद, यानी ये रेडमी नोट 6 प्रो है, तो देखिए रेडमी नोट 6 प्रो को ओपन किए, यहां पे एक डायोड का ऑप्शन आएगा, यहां पे लिखा है डायोडा, ये डायोडा को हम ओपन करेंगे। अब यहां पे देखिए दो तरह का हमारा बता रहा है, एक कनेक्टर और एक आईसी ऑन बोर्ड, यानी ये रीडिंग बता रहा है, तो हमें क्या देखना है, बोर्ड का देखना है, तो आईसी ऑन बोर्ड को ओपन करेंगे। अब जैसे ही आईसी ऑन बोर्ड का ओपन करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से ये मिलेगा, वेट करते हैं कुछ सेकंड, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहां पर ये ओपन हो गया है। अब यहां ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, आईसी की बोर्ड पे देखना है, ठीक है? तो यहां से हम ये पावर आईसी पे आएंगे, अगर ये ऑप्शन दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ये, आपको टाइम को बहुत सेव कर देगा, बहुत ज्यादा सेव कर देगा, फटाफट आप यहीं पर चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये बता रहा है कि ये जो आपका येलो कलर का है, ये बता रहा है कि आईसी को निकालने के बाद आप जब आप इस वाले येलो वाले पे चेक करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना? और ये जो ग्रे कलर का जो दिख रहा है ना, ये सारे ग्राउंड है, यानी जब आप ग्राउंड से चेक करेंगे तो ये ग्रे वाले पे क्या आएगी, बीप आएगी,
ग्रे वाले पे क्या आएगी, बीप आएगी। और जो ये व्हाइट कलर का है तो ये बता रहा है कि जितने भी ये व्हाइट कलर का बॉल है इन सभी बॉल पे वैल्यू आनी चाहिए, इन सभी बॉल पे वैल्यू आनी चाहिए। जैसे ये इस बॉल पे वैल्यू आनी चाहिए, इस वाले बॉल पे वैल्यू आनी चाहिए, यानी जितने भी व्हाइट कलर का है इन सब पे वैल्यू बता रही है। यानी साफ साफ बताया भी यहां पे कि देखिए इस वाले बॉल पे वैल्यू आनी चाहिए, इस वाले बॉल पे 277, यानी रीडिंग तो एग्जैक्ट नहीं आएगी लेकिन लगभग वैल्यू आनी चाहिए। तो बीप आने वाले वाले पे बीप और कुछ भी नहीं आने वाले पे कुछ भी नहीं, मतलब ओएल आएगा, ओएल का मतलब ओवरलोड, ठीक है। अब यदि अगर मान के चलिए कि वैल्यू आने वाले में अगर बीप आने लगा, अगर वैल्यू आने वाले में बीप आने लगा, जैसे मिसाल के तौर पे इस वाले बॉल पे बीप आ गई, तो आपको पता चल गया कि ये लाइन क्या है, शॉर्ट है। अब ये लाइन क्या है, शॉर्ट है। तो फिर अब और अच्छे से क्लियर करने के लिए अब ये आप वीडियो को ओपन करेंगे। अब यहां से कितने नंबर बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर बॉल है। तो आप वीडियो को ओपन करके आप चेक करेंगे 7 नंबर बॉल की लाइन कहां जा रही है, किस आईसी के अंदर जा रही है, क्योंकि यहां पे क्या बता रहा है, शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे हम ये वीडियो को ओपन कर रहे हैं और 7 नंबर बॉल पे क्लिक करके देखेंगे कि वो लाइन कहां जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है कि मैं कहां चेक करूं शॉर्टिंग के लिए, कहां पे है कहां पे नहीं है, तो आप पावर आईसी को निकाल कर डायरेक्ट उसकी बॉल पे ही चेक कर सकते हैं कि कौन सा लाइन में शॉर्टिंग है, आसानी तरीके चेक कर सकते हैं, ज्यादा वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब ये हम यहां पे जूम करेंगे और जूम करने के बाद अब यहां पे हम देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहां से 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 नंबर इस पर क्लिक किए। अब देखिए लाइन कहां जा रही है, ये लाइन कहां जा रही है, ये लाइन देखिए इधर इस सेक्शन में आ रही है, इस बॉल पे जा रही है, देख सकते हैं आप इस बॉल पे जा रही है वो कनेक्शन, और सीपीयू में जा रही है क्या, सीपीयू में नहीं जा रही है, एमएमसी में भी नहीं जा रही है, और इधर की तरफ जा रही थी, देखते हैं इधर किधर जा रही है, देखिए इसमें भी जा रही है ना, इस आईसी के अंदर जा रही है, देख सकते हैं ये वाले सेकेंड पावर के अंदर जा रही है। तो सेकेंड पावर से कनेक्शन है और इस आईसी से भी कनेक्शन है। तो कहने का मतलब है कि अगर वहां शॉर्ट बता रहा है तो ये भी शॉर्ट हो सकता है और आपकी सेकेंड पावर भी, यानी जो वो पावर के अंदर जा रही थी वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो आपको इसको जल्दी फाइंड हो जाएगा, जल्दी फाइंड हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम बोर्ड की तरफ, बोर्ड की तरफ आते हैं और यहां पे लाइन जा रही थी सीपीयू के ऊपर। अब ये कौन सा सेक्शन है, मे भी हो सकता है ये वाईफाई सेक्शन हो, तो एक बार खोलने के बाद पता चल जाएगा। ये मतलब ये होता है वाईफाई, तो वाईफाई में भी जा रही है और आपकी सेकेंड पावर के अंदर भी जा रही है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लाइन इधर की तरफ जा रही है। तो चेक कैसे करना है, मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट करना है, रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है। अब देखिए स्कीमेटिक में फिर से आते हैं हम बैक में। अब यहां बता रहा है ओएल फर्स्ट में, इधर से ओएल फर्स्ट में, तो इस पे हमारी कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब यहां से फर्स्ट में ओएल बता रहा है, अब यहां पे ब्लेड भी लगा लेंगे अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो। अब सेकेंड में बता रहा है ओएल, तो हम सेकेंड पे चेक कर लेंगे, ओएल ही आ रहा है। थर्ड पे रीडिंग, देखिए थर्ड पे रीडिंग आ रही है, ठीक है। फोर्थ पे रीडिंग, फोर्थ पे भी रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद फाइव ओएल, तो फाइव ओएल देख लेते हैं, देखिए ओएल आ रही है। फिर उसके बाद रीडिंग, तो रीडिंग आ रही है। फिर उसके बाद रीडिंग, तो देखिए रीडिंग आ रही है। अब यदि रीडिंग की जगह यही बीप आने लगा तो इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट है। तो आप आईसी को निकाल कर डायरेक्ट यहीं पे चेक कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बॉल कौन सी लाइन शॉर्ट है, ठीक है। अब आपको शॉर्टिंग निकालना आनी चाहिए। तो आई होप समझे होंगे कि हमें किस तरीके से आईसी को निकाल के भी हम उसकी पैड पे चेक कर सकते हैं आसानी तरीके से कि कोई लाइन में शॉर्टिंग है या ओपन है कि नहीं है, है ना, ये क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा
और यहाँ पे आपको हर तरह का, हर लेवल का क्लासेस दी जाती है, जीरो टू एडवांस, एडवांस टू माइक्रो लेवल। तो आप फ्री डेमो भी ले सकते हैं और यहाँ का लेवल दे सकते हैं, क्लासेस दे सकते हैं, किस तरीके से डिलीवर किया जाता है, किस तरीके से समझाया जाता है, काफ़ी सारे वीडियो है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो मतलब समझ लीजिए कि जो आपको घंटों लगेगा ना समझने में, वो तरीके ऐसे होते हैं जो समझाने के बाद आपको लगेगा कि यार हम घंटों बेकार लगा रहे थे, यहाँ तो मिनट का काम है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो, अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।